Hello guys welcome you all in your study guru and computer fundamental series in previous video we learned about what is computer terms related to the computer computer hardware and computer software and different hardware components now in this video i am going to discuss about the input devices classification of input devices so let's start the video first computer hardware components input devices today's presentation what we will discuss इनपुट डिवाइसिस इनपुट डिवाइसिस क्लासिफिकेशन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ की बोर्ड सो लेट्स स्टार्ट वन बाई वन सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसिस इनपुट डिवाइसिस दैट सेंड द डेटा टू द कंप्यूटर एंड अलाउिंग यू टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड कंट्रोल इट सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम एक फ्रेंड को आपने कहा हैलो अगर आपको रिप्लाई मिलता है हेलो तो इसका मतलब आपके फ्रेंड ने आपका जो हैलो था वो सुना इस मीन्स इनपुट गया और आपने आउटपुट गेन किया तो इसका मतलब है कि इनपुट डिवाइसेस वर्क इंटरनली वी कॉन्ट सी विदाउट आउटपुट डिवाइसेस तो सिंपल आप कोई भी कीबोर्ड से या माउस से इनपुट देते हैं आपको डिस्प्ले पर आपको दिखाई देता है तभी आप समझ पाते हैं कि आपने इनपुट जो दिया है वो आपने करेक्ट दिया है या करेक्ट आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स फर्स्ट इज़ इन डायरेक्ट डजेंट नीड टू कन्वर्ट इन इंटरमीडिएट कोड डायरेक्ट जो होता है इनपुट इसका मतलब कि आपने जो इनपुट दिया है उसको किसी भी इंटरमीडिएट कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है जैसा इनपुट आप देंगे वैसा आपको मिल जाएगा तो आप माउस से जो भी क्लिक करते हैं तो आपको माउस से सिंपल क्लिक आपको दिखाई देता है कैमरा से आप कोई भी फोटो कैप्चर करते हैं तो आपको सेम फोटो आपके मोबाइल में दिखाई दे जाती है या फिर कंप्यूटर में दिखाई दे जाती है कीबोर्ड से आप कोई भी की प्रेस करते हैं या सेटअप की प्रेस करते हैं तो आपको उसके जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सिंपल उसी टाइम पे आपको विजिबल हो जाते हैं फिर आता है इनडायरेक्ट विच मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू मशीन रीडेबल फॉर्म तो आप देख सकते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस जैसा कि आपने कोई पेपर स्कैन किया अब वो किस तरह से आपका मशीन रीडेबल फॉर्म में जा रहा है या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा आपको नहीं पता जैसे बी सी आर है ओ सी आर है ओ एम आर एम आई सी आर माइक, टच स्क्रीन लाइट पेन किस तरह से काम करते हैं हमें नहीं पता वो हमें सिंपल आउटपुट सामने दिखाई देता है लेकिन किस तरह से वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं किस तरह से वो कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमें नहीं पता होता है तो ये कहलाता है आपका इनडायरेक्ट अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस क्लासिफिकेशन की तो इनपुट डिवाइसेस क्लासिफिकेशन जो आपका है वो सेवन टाइप का है फर्स्ट है आपका कीबोर्ड सिंपल कीबोर्ड आपने सभी ने देखे हैं गेम कीबोर्ड आपके डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स हो सकते हैं तो कीबोर्ड को भी अलग से क्लासीफाई किया गया है लेकिन आप कीबोर्ड टाइप के जो क्लासीफिकेशन इनपुट डिवाइसेज हैं वो आप ले सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर फिर आपका ड्रॉ एंड पॉइंट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम पॉइंटिंग करते हैं जैसे आप क्लिक करते हैं या फिर गेम्स के लिए आप जॉक जॉयस्टिक या फिर आप ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं तो ये आपके सारे के सारे पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस हैं फिर आता है डिजिटाइजर जैसा कि आप टैबलेट या लाइट पेन स्टाइलस यूज करते हैं तो ये आपके डिजिटाइजर के अंदर आते हैं फिर आता है आपके डेटा स्कैनिंग बेस्ड डिवाइसेस जिसमें आप डेटा को स्कैन कर सकते हैं इन डिवाइसेस के थ्रू फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है हमारा ए कार्ड या इस तरह के कार्ड्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए या फिर उनको रीड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइस होती हैं स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेज जैसे हम बोल रहे हैं हमें समझ पा रहे हैं या फिर हमारा जो बोलने का जो तरीका है या फिर हम जो बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट टू स्पीच स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट जो कर पा रहे हैं वो डिवाइसेस आपके इस तरह से काम करते हैं विज़न बेस्ड डिवाइसेस जो विजुलाइज़ करने के बाद हमें इनपुट आउटपुट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो विज़न बेस्ड डिवाइसेस होते हैं इनको मैं वन बाय वन आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ तो हम सबसे पहले इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कीबोर्ड कीबोर्ड से हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टोफर्स लेथमैन सोलेज वॉज द इन्वेंटर ऑफ की बोर्ड फॉर कंप्यूटिंग डिवाइस ही पेटेंटेड द टाइप राइटर दैट इज कॉमनली यूज टोटली इन एटीन सिक्सटी एट दिस इज मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज टैक्स इनपुट डिवाइसेस को टैक्स इनपुट डिवाइस कहा जाता है इट अलाउड अ एंट्री इन टू द कंप्यूटर सिस्टम बाई प्रेसिंग ए सिंगल और सेट ऑफ की सिंगल कह सकते हैं ए बी सी आपने प्रेस किया सिंपल ए बी सी सिंगल और शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट या फिर आपने कुछ कीज़ यूज़ करके लिए तो ग्रुप ऑफ कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंगल की भी यूज़ कर सकते हैं देर आर वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो फोर एंड वन जीरो एट वन वन जीरो कीज़ इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड आप देख सकते हैं आ, इस तरह के कुछ कीज़ नंबर ऑफ़ कीज़ अवेलेबल होती हैं में नाउ इट डेज डे वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टी मीडिया की बोर्ड्स अवेलेबल विच हैव मोर कीज आपने देखे होंगे कुछ मल्टी मीडिया की बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर हम फंक्शन कीज़ को प्रेस करते हैं तो एक ही की आपका डबल रोल प्ले करती है तो इस तरह से ये काम करता है तो इसके अंदर मल्टीपल कीज़ भी हो सकती हैं अब बात करते हैं कीबोर्ड्स की कीबोर्ड्स में आपका सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड टाइप्स ऑफ की आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के की आपको दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड की बोर्ड ट्रेडिशनल कीबोर्ड आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड की बोर्ड ट्रेडिशनल की ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिर आपका लैपटॉप की बोर्ड्स लैपटॉप कीबोर्ड्स गेमिंग कीबोर्ड्स आपका फ्लैक्बल एंड रोल रोलअप कीबोर्ड्स एंड लेज़र और इंफ्रारेड की बोर्ड आपके ये इस तरह के आपके दिखाई दे रहे हैं आपको एर्गोनॉमिक कीबोर्ड आपका ये रहा वायरलेस कीबोर्ड हो गया आपका पी डी ए की बोर्ड हो गया तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट की बोर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये की बोर्ड क्लासीफिकेशन है इस तरह के की बोर्ड्स आपके मार्केट में अवेलेबल हैं उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड की बोर्ड्स की स्टैंडर्ड की बोर्ड्स में क्या होता है ऑल्सो नोन एज ए डेस्कटॉप की बोर्ड इंक्लूड एल्फावेटिक करेक्टर पंक्चुएशन सिम्बल्स नंबर एंड वेराइटी ऑफ फंक्शंस कीज़ ये सिंपल हम नॉर्मल लाइफ में हम ये वाली कीज़ का जो की होता है उसको यूज़ करते हैं फिर आता है लैपटॉप कीबोर्ड्स हैज़ द सेम की बोर्ड टाइप एज ए नॉर्मल की बोर्ड एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मोस्ट लैपटॉप की बोर्ड्स कंडेंस द सिम्बल्स इन टू फीवर बटन्स टू एकोमोडेट लेस स्पेस ये लेस स्पेस लेता है जैसे आप की बोर्ड है तो कीबोर्ड को अलग से प्लेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है इसके अंदर फिट आता है तो ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं फिर बात करते हैं कीबोर्ड गेमिंग की बोर्ड्स आर सिमिलर टू द नॉर्मल की बोर्ड्स एक्सेप्ट देस जनरली एक्स्ट्रा फीचर्स सच एज एक्स्ट्रा फीचर्स क्या आप हो सकते हैं इसके अंदर इल्यूमिनेटेड कीज़ जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लाइट जो ब्लिंकिंग है आपको इस तरह से नॉर्मल की में नहीं दिखाई देगी मल्टी कीज़ हो सकती हैं इसके अंदर एडिशनल एल सी स्क्रीनस हो सकती हैं पाम रेस्ट एंड अदर फीचर्स भी इसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं फिर आता है एरगोनॉमिक कीबोर्ड्स इसमें आर कंप्यूटर्स की डिजाइन विद द एरगोनॉमिक कंसिडरेशन टू मिनिमाइज द चांस ऑफ टू रिस्ट एंड हैंड इंजरीज जिनकी हैंड में कोई भी इश्यूज़ होते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन कीबोर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका लेज़र और इंफ्रारेड कीबोर्ड्स एंड दिस डिवाइस प्रोजेक्ट द कीबोर्ड ऑन द फ्लैट सरफेस सचेज टेबल और डेस्क तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्टर टाइप का जो कीबोर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका रोलअप अप फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स तो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स आपको कैसे दिखाई देते हैं आर मेड फॉर द सॉफ्ट प्लास्टिक और सिलिकन विच कैन बी रोल्ड रोल्ड इन ऑन इटसेल्फ फ़ॉर द ट्रैवलिंग आप देख सकते हैं ये जो आपका फोल्डिंग कीबोर्ड है ये इस तरह से आपका फोल्ड हो जाएगा और आप इसको किसी भी पैकेट के अंदर रख कर और विजिट कर सकते हैं उसके बाद आता है कनेक्शन टाइप्स कनेक्शन टाइप्स के आपके मेनली टू टाइप्स के कनेक्शन होते हैं वायर्ड कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन तो वायर्ड कनेक्शन के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट कनेक्शंस होते हैं इस तरह के आप देख सकते हैं पी एस टू यू एस बी पोर्ट मिनी यू एस बी एक्स टी पोर्ट डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका वायरलेस की बोर्ड वायरलेस की बोर्ड में आपका ब्लूटूथ की बोर्ड इन्फ्रा रेड वर्चुअल की बोर्ड यूजेज एंड इन्फ्रा रेड एंड लेजर टेक्नोलॉजी आर एफ रेडियो फ्रिक्वेंसी वायरलेस की तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये कीबोर्ड काम करेंगे फिर आता है टाइप्स ऑफ ले टाइप्स वाइज लेआउट जो कीबोर्ड का टाइप है वो कुछ लेआउट की कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वैरिटी की बोर्ड क्वैरिटी की में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है आपकी क्वैरिटी यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए इसको क्वैरिटी की कहा जाता है फिर उसके बाद बात करते हैं एजयर टी की बोर्ड इसमें एजयर एक लाइन लिखी हुई है इस तरह से इसको एजआई टी की बोर्ड कहा जाता है और ये जो है आपके साइंटिस्ट के नेम पर है ये आपका मेल्ट्रॉन की बोर्ड है इस तरह के की बोर्ड्स आपके मार्केट में अवेलेबल हैं लेकिन मोस्टली हम क्यूरिटी और एजआई टी की बोर्ड्स का यूज़ करते हैं तो ये आपकी की बोर्ड्स की जो लेआउट है उनकी कैटेगरीज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कीज़ की बोर्ड कीज़ डिवाइडेड इं फॉलोइंग कैटेगरीज सबसे पहले बात करते हैं अल्फानेर में कीज़ जिसमें आपका ए बी सी डी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको विजिबल है कि आप ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ की कैटेगरीज़ में आती हैं ये सारी कीज़ इस तरह से फिर आता है न्यूमेरिक कीज़ न्यूमेरिक़ कीज़ में आपकी ये लाइन और इस तरह की कीज़ आपकी न्यूमेरिक कीज़ हैं फंक्शन <फंक्षेंग> कीज़ आप ऊपर से देख सकते हैं फंक्शन कीज़ कंट्रोल कीज़ हैं आपकी कुछ कंट्रोल है ऑल्ट है, है इस तरह से कंट्रोल कीज़ हैं आपकी स्पेशल कीज़ में आपका कैप्स लॉग और ये आपकी एंटर शिफ्ट इस तरह की कीज़ आपकी स्पेशल कीज़ हो जाती हैं जैसे आपकी टोंगल कीज़ वग़ैरह इंडिकेटर की लाइट कीज आप देख सकते हैं जैसे आपका कैप्स लॉक था नम्स लॉक है स्क्रॉल लॉक है ये आपकी इंडिकेटर लाइट कीज हैं। जब आप इंडिकेट कर देते हैं कैप्स लॉक ऑन है तो आपका ग्रीन लाइन आपको सामने दिखाई दे जाती है तो इस तरह की कीज़ आपकी होती हैं नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कीज आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कीज़ मैंने अभी आपको बताया था फंक्शन कीज़ फंक्शन कीज़ आपने जब देखा था तो टॉप मोस्ट में आपको एफ वन एफ टू एफ ट्वेल्व तक आपको कीज़ दिखाई दे रही थी तो सिंपल ये क्या है अक्रॉस द टॉप ऑफ द की वोर्ड आर रोज एंड कीज़ कार्ड द फंक्शंस एंड कीज ईच कीज़ इज़ कम्पोज ऑफ द लेटर एफ एंड नंबर ऑफ रेंजिंग फ्रॉम एफ वन टू एफ ट्वेल्व ईच ऑफ फंक्शन कीज़ परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन बेस्ड अपॉन वॉट सॉफ्टवेयर इज बींग यूज न्यूमेरिक कीपैड अब इसमें क्या है मैनी लार्जर कीबोर्ड्स हैव एन एक्स्ट्रा सेक्शन टू राइट द कंटेंस एंड न्यूमेरिक कीपैड एंड दिस कंसिस्ट ऑफ नंबर्स वन थ्रू नाइन एंड जीरो और एंड एस्ट्रिक एंड स्लैश डैश प्लस साइन एक्सेट्रा देर इज़ ऑल्सो ए नम्स लॉक ऑल्सो एंड यूज टू टर्न ऑन और ऑफ न्यूमेरिक कीपड नेक्स्ट नेविगेशन कीज Navigation keys are also the direction keys and are used to navigate through the document and websites. Example of navigation keys are the up, down, left, right arrows. Types of keys: uh, typewriter keys are the center of the keyboard and which contains a larger amount of keys, includes letters and numbers, and most typing is done with these keys control keys the other keys include alt and control keys control mainly used for the create a shortcut key and shift completely used for the modifier modifying the keys and escape control key control shortcuts so simple escape located in that upper left hand corner and keyboard it is used to cancel the operation simple so these all are the keys and categories of uh, keyboards. you can watch and i hope so you understand these all concept of keyboard watch the next video to continue the classification of input devices part 2 uh, these are continue from the pointing and draw device so thanks for watching